आज आपको हिंदी फिल्म, हिंदी और राजस्थानी फिल्मों के संगीतकार और गीतकार गायक और गायक सतीश बेहरा जी से एक मुलाकात करवाते हैं। आपका स्वागत है सतीश जी। थोड़ा सा तो पहले अपने बारे में बताइए, हिंदी कहाँ से शुरुआत हुई आपकी, कहाँ से कैसे? थोड़ा मेरी शुरुआत तो वैसे रामानंद सागर साहब की रामायण से हुई है, और सबसे पहला ब्रेक मुझे रविंद्र जैन साहब ने दिया। आज उनकी बदौलत इस नगरी में मैं टिका हूँ। सागर साहब की रामायण से मेरी शुरुआत हुई थी। उसके बाद में मैंने राजकपूर साहब की फिल्म हिना में भी दादू ने गवाया मुझे, राष्ट्रीय की पिक्चर में गवाया मुझे, और सारे जैन धर्म के जितने भी ऑडियो कैसेट्स या जितने भी कार्यक्रम होते थे मैंने उनके साथ में कम से कम 20 से 22 साल काम किया। तो उनका मुझे आशीर्वाद, उनका सानिध्य, मेरे गॉडफादर रविंद्र जैन साहब ही थे। तो जो कुछ हूँ आज मैं उनकी बदौलत आपके सामने जा रहा हूँ। अच्छा, आज सुधाकर शर्मा के पुत्र मनीष कौशिक की अध्यक्षता में एक म्यूजिक कंपनी का शुभारंभ हुआ है जी, तो डेफिनेटली आप भी उस कंपनी के अभिन्न अंग हैं। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, क्या है, क्या होगा उस कंपनी में, क्या क्या? इसके बारे में यही बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमारे सुधाकर जी शर्मा साहब जो मेरे बड़े भाई हैं, जिनका बहुत मुझ पे स्नेह है, उन्होंने आदेश दिया कि ओडली म्यूज़िक हम लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें आपको भी शामिल रहना है, और मुझे इसमें से एक अभिन्न अंग बनाया है। और मुझे आदेश हुआ कि श्री हनुमान जी का बड़ा ही जटिल और बहुत मुश्किलात जिसको कह सकते हैं हनुमान बाहु, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या हनुमान अष्टक, ये सब तो लोग गाते हैं लेकिन हनुमान बाहु बहुत रेयर गाते हैं। तो सुधाकर जी शर्मा जी ने बोला कि मुझे इसको कंपोज करके गाना है, तो उनके आदेश अनुसार मैंने इस होटली म्यूज़िक के लिए गाया है। तो मैं सबसे पहले सुधाकर जी शर्मा को बहुत बहुत और उनके सुपुत्र मनीष कौशिक उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और श्रोताओं के लिए यही स्पेशली कहना चाहता हूँ कि जितने भी आज आप डिजिटल में म्यूज़िक सुन रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं, ओडली म्यूज़िक की एक अपनी अच्छा पहचान नहीं अलग से इसलिए होगी कि इसके काम करने वाले या इसके फाउंडर कौन हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। जिन्होंने बरसों तक अपनी पूरी लाइफ इस फिल्म इंडस्ट्री को दी है, सुधाकर जी शर्मा जी ने और उनके सुपुत्र मनीष कौशिक, तो ये जानकर के बेहद खुशी होगी आपको कि वो संगीत, वो सिलेक्शन कैसा होगा जो इनके द्वारा आप तक पहुंचेगा, हम सोच सकते हैं। तो बहुत ही हटकर होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत सिलेक्टिव होगा। और मैं श्रोताओं से यही निवेदन करूंगा कि ये जो हनुमान बाहु आ रहा है इसको आप ज़रूर सुनें, और इसको जितनी बार सुनेंगे उतनी बार इसका आनंद आएगा। और अभी तो ये शुरुआत है, इसके बाद और भी आगे और भी बहुत सारी कुछ रचनाएं हैं जो रिकॉर्ड करनी है, वो आप तक पहुंचेंगी इनके माध्यम से। और ये ओडली म्यूज़िक ऑल ओवर वर्ल्ड में पूरा प्ले होगा, इसके थ्रू आपको बहुत अच्छा म्यूज़िक, अच्छा संगीत सुनने को मिलेगा, यही आपसे निवेदन करूँगा इसको ज़रूर। धन्यवाद सतीश जी, थैंक यू सर। एंडे भी आने की तैयारी में, जैसे कि आपने बताया, वो भी म्यूज़िक से रिलेटेड ही है, क्योंकि जितनी हम रोमांस की बात या रोमांचिक बात संगीत के माध्यम से कर सकते हैं उसका बढ़िया, उससे अच्छा कोई माध्यम नहीं है। हालांकि मैं इसमें कम इंटरेस्टेड हूँ, ये बात अलग है, दुनिया मानती, दुनिया के साथ हम भी हैं, लेकिन उसके लिए भी हम सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं। लेकिन चुनाव सही हो, पार्टनर सही हो, और आपके प्यार में सच्चाई होना चाहिए। जिस तरह से आजकल हम बहुत सारे चैनल्स पे देखते हैं, बहुत सारे प्रेस मीडिया में देखते हैं, बहुत सारे कुछ फेक आते हैं, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, उन चीज़ों से थोड़ा सा हमारे लड़के हो चाहे लड़कियां हो वो बचें और सही दिशा में रहें और सही दिशा में रहें, यही आपसे निवेदन। थैंक यू सर। अभी आपने शुरू किया है जी, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्या क्या होगा इसमें, क्या शुरुआत होगी, किस तरह के गीत होंगे, किस तरह का? ओडली म्यूज़िक जो है वो डिजिटली हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगी वर्ल्ड वाइड,
और इसमें हमने एक कुछ स्पेसिफिक एक हमने पैटर्न को डिसाइड नहीं किया है। हमारे हिसाब से जितनी भी लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया में है, जो कहीं सुनी या बोली जाती है, हम उसको लेकर जो है वो म्यूज़िक के लिए बनाने की ट्राई कर रहे हैं। और दूसरा ये भी है कि हम इसमें कुछ एक नया, जो आजकल की यूथ है, जैसे कि जो यूथ सुनना चाहती है, जैसे कि वो एनी जॉनर ऑफ म्यूज़िक, जैसे कि कंट्री हो गया, क्लब हो गया, हाउस हो गया, ट्रेडिशनल हो गए या डिवोशनल, जो भी कैटेगरी है, बेसिकली हर कैटेगरी ऑफ म्यूज़िक विल बी पब्लिश्ड इन माय कंपनी। और ये कंपनी डिजिटली ही अवेलेबल होगी सब जगह, ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म ऑफ म्यूज़िक। शुरुआत हम कर रहे हैं कुछ मेरे पास में अभी कुछ 54 कुछ है जो ट्रेडिशनल हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि वो भजन भी हैं और एक तरीके के फोक्स हैं और कुछ एक हिंदी मेलोडी है जिसको हम अभी रिलीज़ करेंगे फेब 29 को। और जैसे सतीश जी ने जो सबसे बढ़िया हनुमान बाहुक सबसे डिफ़िकल्ट जो किया है वो भी हम 29 फेब को ही रिलीज़ करेंगे। और इसके जो और आने वाले गाने हैं वो होंगे तकरीबन कुछ लैंग्वेजेस होंगी, जैसे कि राजस्थानी होगी, और हमने एक इंटरनेशनल भी एक बॉन्ड साइन किया है वीवो के साथ में, तो हम एक इंटरनेशनल वे में भी इसको प्रमोट करेंगे इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ में भी। हाल फिलहाल अभी उसके ऊपर काम चल रहा है, बट इस साल के जाते जाते वो भी हम शुरू ज़रूर करेंगे। जी, हम वीडियो भी अभी हम सब पब्लिश करना शुरू करेंगे, और वीडियो की जो हमारी साइट्स हैं वो होगी वीवो, जो हमारा मेन होगा, फिर यूट्यूब होगा, और दुनिया के ऐसे 98 जो वीडियो प्लेटफॉर्म हैं जो सबसे ज़्यादा देखे या सुने जाते हैं, उन सब पे हमारे जो वीडियो है वो प्रमोट है। और कुछ बताना चाहते हैं बेसिकली ये कंपनी जो मैंने सोची इसको फॉर्म करने की वो ये थी, जैसे मेरे फादर सुधाकर शर्मा, उन्होंने कुछ 5,500 गाने इस इंडस्ट्री को दिए हैं, तो मैं ये चाहता था कि उनके कुछ गाने जो हैं वो हमेशा मेरे पास रहे, तो मैंने बस उस चक्कर में जो है मैंने सोचा कि क्यों ना एक म्यूज़िक कंपनी फॉर्म की जाए जहाँ पर मैं अपने फादर के गाने जो है उसको होल एंड सोल अपने पास, अपने दिल के पास रख सकते। हाँ जी, मेरा नाम नवरंग भारती है, शायर एंड गीतकार हूँ मैं, साहिर ज्ञानवी का मैं शागिर्द रहा हूँ। ज़्यादा मौका तो उनके साथ रहने का मुझे सीखने का नहीं मिला, लेकिन इसके बाद शायरी जो है वो मेरा शौक है, मेरी ज़िंदगी है। मैं बिजनेस के सिलसिले में नहीं ज़्यादा मौका दे पाया इधर, इसलिए कम गाने हुए हैं, लेकिन फिर भी 60-70-80 गाने मेरे रिकॉर्ड हुए हैं फिल्मों के लिए भी। और ये गाना जो है ये म्यूज़िक कंपनी ओढ़ली म्यूज़िक कंपनी के लिए ये गाना रिकॉर्ड हो रहा है, जो अगम कुमार साहब गा रहे हैं। इसके अलावा भी कई गाने हैं और आप लोगों के सामने इसके बाद भी हम लिखते रहेंगे। और लिखना जो है मेरा शौक है, मेरी ज़िंदगी है, ये कम हुआ है ज़्यादा हुआ है इसका मुझे कोई मलाल नहीं है। मैं सिर्फ शायरी में ही जीता हूँ सुबह शाम। गाने के बोल है, मैंने चाहा तुझे मेरे यार कि तू हर जाई निकला, तूने लूटा है दिल का करार कि तू हर जाई निकला। और काफ़ी अच्छा गा रहे हैं अगम साहब, और इसके अलावा भी कई गाने हम लिख रहे हैं और एकाध फिल्में भी मेरे पास हैं लिखने के लिए। अब मैं इस उम्र में लाइन में आ रहा हूँ, आप लोगों का सहयोग रहा तो काफ़ी कुछ काम करेंगे। शायर हूँ कुदरती तौर पे, कोई बनावटी नहीं है,
बचपन से मैं शायरी कर रहा हूँ, उम्र दराज हो गया हूँ, लेकिन शायरी में ही जी रहा हूँ मैं और जीता रहा हूँ और आगे भी शायरी में ही जीता रहूँगा। आपने पहले जो गाने लिखे कोई फिल्मों में? लिखे हैं, वो बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब लता जी ने मेरे गाने एक दो गाने गाए हैं, आशा जी ने 4-5 गाने गाए हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ जो है महेंद्र कपूर जी ने गाए हैं मेरे गाने, और इसके अलावा विश्रिया घोषाल ने भी एक पाकिस्तानी फिल्म के लिए आए थे आज से कोई 8-10-12 साल पहले, उस टाइम भी मैंने एक दो गाने इनके लिए भी लिखे थे, वो गाया है उन्होंने, लेकिन मुझे मौका कम, मुझे खुद इतनी मसरूफियत रही है कि मैं इस लाइन में ज़्यादा आ नहीं सका, मेरा अपना बिजनेस है, तजारत के सिलसिले में मैं इतना मसरूफ रहा कि इधर आने का मौका थोड़ा कम मिला मुझे, लेकिन अब जो है हम काफ़ी कुछ काम करेंगे, अब मौका फुल देंगे हम, और अब तो रिटायर्ड लाइफ है हमारी, तो इंडस्ट्री को मौका देंगे, और आया वक्त आया तो जो है साहिर साहब वाला ही रंग हम दिखाएंगे, क्योंकि हम साहिर साहब के, साहिर लुधियानवी के शागिर्द रहे हैं। मार्केट में गाना कब तक बन के आ जाएगा सर? 10-15 ये तो मेरा ख्याल है साहब, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन में गाना ये मार्केट में आ जाएगा, मेरा ऐसा ख्याल है। बाकी प्रोड्यूसर जो हैं वो हमारे शर्मा साहब, उनके ऊपर है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि 10-15 दिन में 20 दिन में ये गाना मार्केट में आ जाएगा। इसके बाद भी दूसरा गाना है जो देव कुमार राठौर, जो देव साहब गा रहे हैं, देव राठौर जो म्यूज़िक डायरेक्टर भी इसके हैं, इस गाने के भी और दूसरे गाने के भी म्यूज़िक डायरेक्टर देव साहब हैं, देवेंद्र राठौर हैं, और दूसरा गाना भी आप सुनेंगे काफ़ी अच्छा है। दूसरे गाने का भी जो है लूट कर ले गई ले गई चैन मेरा वो एक बेवफा, ऐसी ठोकर लगी प्यार में दिल मेरा ना भी कह सका, ये दूसरा गाना है जो देव साहब गाएंगे अभी थोड़ी देर में। ओके सर। आज वो हो रहा है जो मैंने बरसों पहले सोचा था, मेरा एक गाना सुपरहिट हुआ हिमेश रेशमिया का, म्यूजिक था प्यार किया तो डरना क्या में, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, और मेरे बेटे को ये गाना बहुत पसंद था, तो उसने एक डिजिटल म्यूज़िक कंपनी खोली जिसका हमने नामकरण किया ओढ़ली म्यूज़िक। तो आज उसका पहला गाना आगम जी गा रहे हैं जो नौरंग भारती जी ने लिखा है, ये एक म्यूज़िक डायरेक्टर के पास मैंने गाना सुना, मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने कहा कि मैं नहीं लिखूंगा, ये लिखा हुआ गाना बहुत अच्छा है, मैं इसको एज इट इज़ रिकॉर्ड करूंगा। भारती जी बहुत अच्छे शायर हैं और उनके काफ़ी गीत रिकॉर्ड पहले भी हुए, बट मेरी कंपनी में ये उनका पहला गाना है, क्योंकि कंपनी अपने आप में एक ऐसी चीज़ है कि उसमें एक ही शायर हो, एक ही म्यूज़िक डायरेक्टर हो, ये तो ज़रूरी नहीं, जो भी चुन चुन के मुझे अच्छा लगेगा शायर या म्यूज़िक डायरेक्टर, मैं कोशिश करूँगा कि अपनी म्यूज़िक कंपनी में उनका काम रिलीज़ करूँ। और मेरा बेटा चूँकि यंग है तो मैंने उसको भी कहा कि बेटा ज़रूरी नहीं है कि मैं राइटर हूँ तो तेरी कंपनी में सिर्फ मैं लिखूँ, काफ़ी और राइटर हैं जो इस कंपनी के लिए लिख रहे हैं। तकरीबन ये कंपनी 1-2 महीने बाद करीब 300 गानों से लॉन्च होगी। मेरे बेटे का बर्थडे है 27 अप्रैल, शायद वो अपने बर्थडे पे ही करेगा। जी भाई साहब, ये पिक्चर नहीं है, कोई शूट नहीं हो रहा, गाना रिकॉर्ड हो रहा, लोकेशन कहाँ होगा? एक मिनट कट करो सर। जी हम वैलेंटाइन डे के लिए आप कौन सा गाना चॉइस करते हैं? कुमार शानू का गाया हुआ मेरा खुद का वैलेंटाइन डे का गाना है, मुझे वही पसंद है, और एक हसरत साहब का एक गाना है ए गुल बदन, वो शायद उस टाइम पे वैलेंटाइन डे आया भी नहीं था,
लेकिन अगर वो गाना आप पूरा सुनोगे, शंकर जयकिशन का म्यूज़िक है, रफ़ी साहब ने गाया है, बहुत ही खूबसूरत गाना है। वैलेंटाइन डे का मतलब है कि प्यार मोहब्बत का दिन, और हम शायर गीतकारों के लिए तो हर दिन वैलेंटाइन डे है भाई। मैं सिंगर नहीं हूँ, मेरा मजाक ना उड़े, इसलिए रफ़ी साहब के गाने की हिम्मत तो अच्छे अच्छे सिंगर नहीं कर पाते, आप मुझसे क्यों सुन रहे हो? फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब ढा गया। ना हम होश में हैं, ना दिल होश में है, तेरा मुस्कुराना गजब ढा गया। और अपनी जो कंपनी अभी खोली है उसमें आगे चलते बड़े बड़े सिंगर भी गाने के लिए आएंगे? जी मैं चाहूँगा और रिक्वेस्ट भी करूँगा, और मुझे उम्मीद है कि हर सिंगर इसमें ज़रूर गाएगा। मेरा अपना रिलेशन है, और मैं समझता हूँ कि एक आशीर्वाद के तौर पे मैं सभी को गवाऊँगा, चाहे शानू साहब हों, उदित जी हों, सोनू जी हों, और सोनू जी के पिताजी तो आज गा ही रहे हैं। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू। आज का गाना ओल्डली म्यूज़िक कंपनी है, अभी शुरू की है मनीष कौशिक ने तो, और सुधाकर शर्मा जी ने तो। ओल्डली म्यूज़िक का ये पहला गाना है, मैं गा रहा हूँ इसको। नवरंग भारती ने लिखा है और देव राठौर ने इसका संगीत दिया है, और बहुत प्यारा संगीत दिया है, बहुत अच्छा है। सुधाकर जी भी आने वाले जो गाने हैं वो सब सुधाकर जी लिखने वाले हैं। ये पहले मुरुद का गाना जो है वो उन्होंने मुझसे नवरंग भारती जी ने करा लिया है। और गाना किस मूड का है? गाना बहुत दर्द भरा गाना है, हरजाई के ऊपर है, हरजाई टाइटल है। तो मैंने प्यार तुझे किया, तू हरजाई निकला, तो बहुत अच्छा है। तो एक नई म्यूजिक कंपनी से उबर रही है, क्या उनको शुभकामनाएं देंगे, क्या कहेंगे उनके बारे में? बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं सुधाकर शर्मा जी को, मनीष कौशिक को, तो बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूँ कि ये बहुत तरक्की करें, ये शुरुआत की है और बहुत आगे जाए, इनको भाग लगे, ये मेरे लिए बहुत बहुत शुभकामना। कई म्यूजिक कंपनी में काम किया से जी, जी। कहीं कुछ कुछ चीज देने वाले नई कंपनी है, कुछ चीज वगैरह देने वाले हैं? देखिए काम बोलता है, नई कंपनी हो या पुरानी हो, अगर काम अच्छे गाने लिखे गए हैं, अच्छे बनाए हैं, अच्छा संगीत बनाया है और अच्छा गाया गया है, किसी अच्छे गायक से गवाया है, तो वो चलता ही चलता है। और जब काम बोलता है तो फिर वो कंपनी की तरक्की करती है, लोगों की तवज्जो जाती है उसमें कि भाई ये कौन सी कंपनी है, ये कौन से गाने हैं। तो अभी पीछे मैंने बेवफाई के गाने गाए थे कंपनी से, तो अब यहाँ पर हरजाई टाइटल से हम लोग गाने बनाने वाले हैं। तो गज़ल नुमा गाना है, गज़ल नुमा और अच्छे फास्ट टेम्पो में, तो जरा मतलब रिदमिक सॉन्ग है तो अच्छा लगता है। मैंने चाहा तुझे मेरे यार कि तू हर जाए निकला, तूने लूटा है, तूने लूटा है दिल का करार, कि तू हर जाए निकला, कि तू हर जाए निकला। अरे अभी वैलेंटाइन जो डे है वो यंगस्टर्स के लिए है, हमारे हो गए वैलेंटाइन डे, तो हम तो उनको ही दुआएं देंगे और उनको आशीर्वाद देंगे। कोई गाना था सर वैलेंटाइन डे के लिए खास आज के युवा करना? युवा के तो नहीं, बाकी वैलेंटाइन डे के तो बहुत सारे गाने हैं जो आपके बहुत गरीब और आपने गाया भी हो। चौदवी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदवी का चांद हो। क्या सोचा आपने, क्या मानो?
रखा है कि इसको आगे बढ़ाएंगे? सर, नई कंपनी का आगाज़ अगम निगम जी के स्वरों से हो रहा है, और मेरी ये बड़ी तमन्ना थी कि जब भी मैं कंपनी ऐसी कोई लॉन्च हो, क्योंकि मेरा बेटा 10 साल से मेरे पीछे लगा हुआ था कि मैं इसी लाइन में आऊँगा, और मेरे घर में अगम जी के दो बड़े फैन हैं, एक मेरी मिसेज और एक मेरा बेटा। तो मैंने कहा कि भाई साहब, ये पहला गाना कंपनी का आप गाइए, मेरा मुहूर्त होगा। तो पहले का मतलब ऐसा नहीं कि एक ही गाना गा के रह जाएंगे। मैंने अगम जी के लिए एक हरजाई करके एक प्लेटफॉर्म है, उसमें मैं हर महीने अगम जी का एक गाना रिलीज करूँगा। इंडस्ट्री में बहुत से सिंगर हैं, मेरे सब दोस्त हैं, लेकिन श्रद्धेय और आदरणीय अगम निगम जी हैं, क्योंकि हमारी एक तो एक मैचिंग है, एक लाइकिंग है, एक एज है, और हम ये बताना चाहते हैं कि अच्छा म्यूज़िक जब भी कभी आएगा वो लोगों को पसंद आएगा ही आएगा। आज भी अगर पुराने गाने रीमेक हो रहे हैं, उनको फिल्मों में डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस युवा पीढ़ी को भी वो मेलोडी चाहिए, वो संगीत चाहिए। और मैं दुआ करता हूं कि भाई साहब इस कंपनी के पाइनर हैं, परमानेंट इनके गाने इस कंपनी से आते रहें। दुआ करता हूं ऊपर वाले से कि बस इनका साथ मेरे साथ रहे, और जैसा मेरा बेटा है वैसा ही आपका बेटा है। और नया पुराना कुछ नहीं होता, कंपनियां बहुत आती हैं, बहुत चलती हैं, जाती हैं, काम बोलता है, अल्टीमेटली काम बोलता है। और आज जो इन्होंने गाना गाया, मैं इतना खुश हूँ, और इसमें एक राज की बात है, इसलिए भी ज़्यादा खुश हूँ कि कंपनी का कोई सिंगर, जो पहला सिंगर है, वो लक्की होना चाहिए। मेरे हिसाब से अगम निगम जी वेरी लक्की, वेरी लक्की। अच्छा, आपकी जो कंपनी है इसमें क्या रूल्स एंड क्या रेगुलेशन होंगे, किसको गाना अगर मुझे आपकी कंपनी जुड़ना है तो कैसे आए, कैसे कुछ होगा? देखिए, मेरी कंपनी में जो भी जुड़ना चाहेगा उसको हम वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म रिलीज कर देंगे। चूँकि हम नए हैं, हम कोशिश ये करेंगे कि इसके कुछ ऐसे चीज़ें मैं इस कंपनी में दूं जो बड़ी बड़ी कंपनियों में नहीं है। बड़ी कंपनियों ने जब शुरुआत की थी तब मेरी तरह थे, मैंने 50 साल इस लाइन पर गुजारे हैं, मैंने सबको देखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ इंडियन हेरिटेज जो म्यूज़िक है वो कहीं ना कहीं उसकी सेवा में करता। थैंक यू। लाजवाब हो चौदवी का चांद हो।